हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत छोटा सा वीडियो है ये, वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की है। सो यहाँ भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ कर रखी है विच वॉज प्रपोज बाय बोहर। बोहर ने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज करी थी। हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए थे और जिनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना भी चुकी हूँ, आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। अब बात करेंगे कि सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि एटम की स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी। रीजन बीइंग, स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था कि एटम क्या है, एटम इंडिविजिबल है, मींस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एटम में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, उनका एटम में अरेंजमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ डिफरेंट डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए। तीन मॉडल बेसिकली प्रपोज हुए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर भी चुकी हूँ। सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया था जे.जे. थॉमसन ने, नेम बाय प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि इतना अच्छा मॉडल नहीं था। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया बट वो भी डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का वो मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एट लास्ट बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। सो देखो, यहाँ पे मैंने एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है जिसमें आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू बोहर उसने क्या बोला था कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। आप देख सकते हो यहाँ सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों है। वैसे तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था ये अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि न्यूक्लियस क्या कैरी करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मीन्स न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड वी नो दैट प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है जबकि प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन प्रोटॉन्स की प्रेजेंस के कारण, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। आईसीएसई में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो योर आंसर विल बी न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात, वी कैन सी वेरी क्लियरली कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ हैं जिनमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद अ फिक्स्ड एनर्जी इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स, और इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को किसका नाम दिया गया, ऑर्बिट्स का, एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स का। इन्हीं एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं विद फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तभी तो एटम क्या है, एटम एज ए होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस कौन कैरी कर रहे हैं, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस कौन कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सेंटर में न्यूक्लियस है जो क्या कंटेन कर रहा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ हैं, उन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स कहते हैं। इन एनर्जी शेल्स में, लेवल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको एटम की स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गई हो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।